हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के खमारडी में मतदान किया गया, जिसमें वहां की जनता ने मतदान की स्थिति, जनता की सुविधाएं, नए मतदान के नाम खोजने की जानकारी पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताया। सर आपका परिचय? मैं शहर जिला उपाध्यक्ष रायपुर से रायतल धोत्रे। नमस्कार। जैसे कि आप निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ भी नाम ढूंढने में आपको कुछ तकलीफ जारी, कुछ बता सकते हैं चैनल को? क्या है, कुछ गलतियां हुई हैं इसमें। जैसे घर के 10 नाम है तो 2 नाम इधर, 2 नाम उधर, 2 नाम दूसरे लिस्ट में। हम लोग जैसे कार्यकर्ता लोग को बहुत कठिनाई हुई है। मैं आग्रह करूंगा निर्वाचन अधिकारी से, पूरा जैसे मकान नंबर 41, 42, 43 जैसे लाइन से मकान नंबर रहता है, ऐसे लोगों का नाम भी लाइन से आना चाहिए जिसमें असुविधा नहीं हो। और बीच में किसी का नाम, बीच में किसी का नाम आता है, ये बहुत दिक्कत है। इसके कारण हमारी पर्ची भी नहीं बढ़ पाती है। सर जैसे कि कोई भी अगर जनता आ रही है आपको, तो उनकी समस्या का हल कैसे कर पा रहे, कुछ बता पाएंगे? अब समस्या जो आ रही है, हम लोग यहाँ पे वो ऐप डाउनलोड किए, ऐप डाउनलोड करने के बाद नाम ढूंढ के उसको निकाले, उसमें भी बहुत दिक्कत आता है, बहुत समय लगता है। कभी सर्वर डाउन हो जाता है तो बहुत दिक्कत प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए मैं निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि जो भी नाम है वो लाइन से जमा के नाम है, जैसे मकान सीरियल नंबर रहता है वैसे सीरियल नंबर आना चाहिए, जिससे हमको दिक्कत नहीं होगी। कैसा क्या माहौल है सर यहाँ पर उत्तर विधानसभा में? उत्तर विधानसभा एक तरफा जल जल रहा है, युवा काम कर रहा है, लाल पगड़ी काम कर रही है, और जो काम किए है, दुख सुख में साथ दिए है, काम किए है, उसका मेहनत आज रंग लाया है। एक तरफा या उत्तर के विधानसभा सीट जीत रही है। यहाँ पर कौन कौन से बूथ का मांग बता सकते क्षेत्र में? हाँ, हमारे यहाँ नेताजी वार्ड में जो है 91 से लेकर के 91, 92, 90, 93, 94, 95, यानी कि 5-6 बूथ है। जो भी यहाँ पे मतदाता आ रहा है उनकी जो समस्या है, यानी कि जैसे कौन सा बूथ में जा रहे हैं, सरल क्रमांक कौन सा है, यहाँ बड़ी आसानी से हमारे जो कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनको आसानी से सरलता से उनका नंबर जो है निकाल के दिया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, देखिए कैसा माहौल है, कैसा भीड़ है, जैसे कि सुबह से मतलब चलते आ रहे हैं। सर कैसा क्या माहौल है सर यहाँ पर इस बूथ का मांग में, इस क्षेत्र में? हमारे मतदाता और हमारे जो कार्यकर्ता हैं एकदम एक्टिव है, जिसको देखते हुए नाम कट गया, बोलिए 5 वोट से गया। हाँ, तो इस हिसाब से जो है मतलब एक्टिव है कि आने वाले दिनों में जो है थोड़ा सरकार चेंज हो, इसको लेकर के क्या है, सब में एक जोश है, उत्साह है। तो आपने मत डाल दिया, अपना मत का प्रयोग कर दिया सर? सबसे पहले 8:15 में सबसे पहले मैं डाल के आया हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर जो नए मतदाता हैं क्या संदेश मत के बारे में बता सकते हैं? देखिए क्या है मतलब जो वोट है सबका अधिकार है। अब यहाँ पे जैसे नए मतदाता अगर जुड़ते हैं तो वो ये देखते हैं कि मतलब अभी के जो राजनीति है, राजनीति में सबको क्या है मतलब उसकी जानकारी होनी चाहिए। और आजकल के जो नौजवान हैं सबको मालूम है किसे देना चाहिए, कौन सी सरकार आना चाहिए, सब भली भांति जानते हैं। सर का परिचय? मेरा नाम सुरेश तांडी है। और भी भैया यहाँ से जुड़ते हैं, भैया लोग से पूछते हैं क्या है ये, कैसे जो पब्लिक आ रही है वो कैसा समस्या का हल निराकरण कर पा रहे हैं आप? निर्वाचन आयोग को चाहिए, मैं सर्वे भी किया था सूची के अनुसार, तो पहले और अभी की सूची में बहुत त्रुटि है, बहुत त्रुटियां हैं। पिता का नाम एक बूथ में है तो माता का नाम अलग बूथ में है, दादा का नाम अलग अलग, मतलब एक परिवार के 3 सदस्यों का नाम अलग अलग बूथों में है, जिससे हमें भी परेशानी हो रही है, साथ में मतदाताओं को भी परेशानी हो रही है, जिसका निराकरण हम मोबाइल में एक के माध्यम से उनको निकाल के उनको सुविधा उपलब्ध करता है। जैसे सर आप सुबह से बैठे हैं आप यहाँ पर, तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल परिवर्तन के चांसेस हैं। हम घूम रहे हैं और मतदाताओं का जो रुझान है बीजेपी की तरफ कमल खिलाने में है। यहाँ पर ऐसे भी बहुत से लोग हैं सर, बहुत सारे अभी तक मतगणना नहीं किया अपने, मतदान देने नहीं आए हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही अपील करूँगा कि यह पूरे भारतवर्ष का बहुत बड़ा पर्व है और आप अपना मतदान अवश्य करें, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है, एक एक वोट बहुत महत्व रखता है। इसलिए मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपना मतदान का उपयोग अवश्य करें। सर आपका परिचय? दिनेश कुमार साहू। और भी हमारे भैया है, एक युवा भी है, अभी उनसे थोड़ा बात करते हैं। कैसा क्या माहौल है यहाँ पर इस ग्रुप में, क्षेत्र में? और इस क्षेत्र में ना पंजा को ट्यूबलाइट का करंट मार गया है, इसलिए पंजा भी गया, ट्यूबलाइट भी गया, कमल खिल के एकदम आ गया।
पंजा को जो ट्यूबलाइट का करंट पड़ा है उससे वो उभर नहीं पाएगा, ये आप कंफर्म कर लीजिए। तो उत्तर में पुरंदर का ही जोर है, तो उत्तर का पुत्र पुरंदर, पुत्र का उड़ गया कबूतर। और भी भैया से बात करते हैं, भैया आप बताइए थोड़ा कैसा क्या माहौल है यहाँ पर, और जैसे आप सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं कैसे समस्या कर जनता का निराकरण कर पा रहे, कुछ बता पाएंगे? देखिए हमारे यहाँ जो बैठे हैं कार्यकर्ता लोग, जो जनता को दिक्कत ना हो उसके कारण से हम मोबाइल ऐप के थ्रू उनका निवारण कर रहे हैं कि उनको दिक्कत ना हो, आया तुरंत अपना काम करे और जाए, टाइम ज्यादा है नहीं उनके पास। और रह गया यहाँ पे अपना पंजा और ट्यूबलाइट और पंजा दोनों गए। इस बार 100% बीजेपी की सरकार बन रही है हमारे बीजेपी छत्तीसगढ़ में, और पुरंदर मिश्रा जी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भारी मतों से आ रहे हैं। Thank you.